रामकनिया न्यूज चैनल और मैं आपके साथ हूं मिश्रा। राजस्थान की भाजपा सरकार अब जिला परिषदों के सीमांकन का काम करने शुरू करने वाली है। संभावना है कि लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद सरकार इस पर काम शुरू करेगी। इसके लिए राजस्थान सरकार ने 19 जिलों के सीमांकन करने के बाद उनकी रिपोर्ट बनाकर प्रस्ताव चुनाव आयोग को भेजा जाएगा। यह प्रस्ताव नवम्बर दिसम्बर में होने वाले जिला परिषद के चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। इधर विधानसभा चुनाव से पहले गहलोत सरकार की ओर से घोषित किए गए 3 नए जिलों पर संशय बन रहा है। इनका नोटिफिकेशन आचार संहिता लागू होने के कारण जारी नहीं हो पाया था। अब सवाल है कि घोषित किए गए इन 3 जिले मालपुरा, सुजानगढ़ और कुचामन सिटी का क्या होगा, केकड़ी जिले में कितने वार्ड होंगे और कौन कौन से गाँव पंचायत समिति और जिला परिषद क्षेत्र में आएंगे। इसके लिए अधिकारियों ने कागजी कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। पंचायत चुनाव का समय अभी बाकी है, लेकिन कई नेताओं ने पंच प्रधान जिला प्रमुख बनने की आस में नेकुटे बजा में सिलवा लिए हैं। तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने कार्यकाल में 19 जिलों का गठन किया था। इधर इस साल नवंबर दिसंबर में अलवर, बांसवाड़ा, बाड़मेर, चित्तौड़गढ़, चूरू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जालोर, झुंझुनू, पाली, सीकर, सिरोही और टोंक जिले में पंचायत और जिला परिषद के चुनाव होने हैं। अब नए जिलों में भी चुनाव के लिए सीमांकन किया जाना बाकी है। इनमें केकड़ी, ब्यावर, बालोतरा, अनूपगढ़, डीडवाना, कुचामंडी, दूदू, गंगापुर सिटी, जयपुर, उत्तर जयपुर, दक्षिण कोटपुतली, खैरतल, नीमकाथाना, फलोदी, सलूनबर, साचोर, जोधपुर ग्रामीण और शाहपुरा शामिल है। इनके चुनाव को लेकर अब नए जिलों का सीमांकन किया जाएगा। आपको बताते चले कि गत दिनों पंचायती राज विभाग ने नए जिलों में शामिल पंचायतों एवं जिला परिषद के सीमांकन का काम शुरू भी किया था, लेकिन लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने के कारण सीमांकन का काम रुक गया। अब आचार संहिता खत्म होने के बाद सीमांकन का कार्य फिर से शुरू किया जाएगा। इसके बाद इन जिलों में चुनाव के लिए प्रस्ताव तैयार कर उच्च स्तर से मंजूरी के बाद राज्य निर्वाचन आयोग को भेजा जाएगा। तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधानसभा चुनाव से कुछ दिन पहले 19 जिले बनाने की घोषणा की थी। इसके बाद राजस्थान के कुल जिलों की संख्या 33 से बढ़कर 50 हो गई, लेकिन विधानसभा की आचार संहिता लागू हो जाने के बाद सुजानगढ़, मालपुरा और कुचामन सिटी जिले का नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं हुआ। इधर यह संशय बना हुआ है कि जिन 3 जिलों की घोषणा की उनका क्या होगा, क्या उनका भी सीमांकन होगा, इसको लेकर भी अधिकारी असमंजस में है।